Hello friends, welcome to my YouTube channel, The Pharmacy Gyan. In our last video, I told what is antihistamine, histamine. Once again, I will repeat. Antihistamine, a drug or other compounds that inhibit the physiological effects of histamine use, especially in the treatment of allergy. Antihistamine, these are the drugs or compounds which inhibits the effect of histamine. And it's especially treatment for allergy. Physiological effects of histamine को रोकने के लिए antihistamine को use किया जाता है, एक drugs है और एक allergy treatment के लिए use किया जाता है. और जो histamine है, histamine producing cells in mammals and stimulates that trigger the histamine release. And histamine is synthesized from primary in mast cells and basophils, histamine neurons in the basophil ganglia of brain and erythrochromaffin like cells in stomach. In today's videos, we will discuss what is source of histamine. So let's start, guys. Source: histamine rich in food, beverages and alcohol. Beverages products like alcohol, cold drinks, usmein histamine source hai histamine ka. Dry fruits like nuts and almonds, and dairy products like butter, milk, ghee, and avocado, eggplant like brinjal and spinach, and shellfish. Some fishes are which produce the allergy histamine effect and triggered histamine release. And some fruits like banana, tomato, beans, papaya, citrus fruits, nut like peanut and walnut, it's produce the histamine. An allergic reaction take place. How to allergic reaction is take place in this histamine? First, skin contact with poison plants, pollen, latex, and animal scratch like cats. When the skin, when jab aapke skin poisonous plants se, phir pollen grains se, or latex animals or scratch, billi ke scratch se, allergic reaction produce hoga. Injecting body mein jo like बी स्ट्रिंग, अगर कोई मधुमक्खी आपको काट लेता है तब हिस्टामाइन प्रोड्यूस होगा. एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, खा लेते हैं, लाइक मेडिकेशन, नट्स एंड फिशेस, मूंगफलियाँ और कुछ जो फिशेस है अगर हम खाएं तो भी हिस्टामाइन प्रोड्यूस हो सकता है. इनहेलेशन, अब जब सूंघते हैं, इनहेलेट करते हैं, लाइक पॉलन ग्रेन, डस्ट, एनिमल्स, डैंड्रफ्स एंड फंगस. अगर इन पॉलन ग्रेन्स, फिर धूल को, एनिमल्स डैंड्रफ्स, कुछ जानवर के कुछ धूल टाइप का होता है, फिर फंगस, अगर हम इनको सोख लेते हैं तो हमें हिस्टामाइन प्रोड्यूस होगा. अगर हम देखते हैं हिस्टामाइन के डिग्रेडेशन को, देखते हैं हिस्टामाइन डिग्रेडेशन, दो एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल, DAO, डायमाइन ऑक्सीडेज, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डिग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल होगा, और HNMT, हिस्टामाइन एंड मिथाइल ट्रांसफरेंस इंट्रा सेलुलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. दो टाइप्स ऑफ एंजाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, दिस इमिडाजोल ग्रुप इथाइल रिएक्ट विद अमाइन ग्रुप, दिस द हिस्टामाइन स्ट्रक्चर, हिस्टामाइन का स्ट्रक्चर है. जब ये हिस्टामाइन डाई अमाइन ऑक्सीडेज ये एंजाइम है, एक्स्ट्रा सेलुलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तब इमिडाजोल 4-एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा. जब अमाइन ग्रुप इट्स रिमूव होके एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्मेशन हो जाएगा, इमिडाजोल 4-एसिटाल्डिहाइड, फिर इसको एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनस करेंगे. अब एल्डिहाइड है ना, उसको निकाल देंगे तब उसमें एसिड ग्रुप प्रोड्यूस हो जाएगा, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. एंड अगर फिर हम इसको ट्रांसफरेज फॉस्फोराइबोसिल से रिएक्शन करेंगे तब ए 1-ribosyl imidazole 4-acetic acid formation होगा. हिस्टामाइन से 1-ribosyl imidazole 4-acetic acid formation होगा. फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है. अब हम इंटर सेलुलर देख लेंगे. दिस मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन. अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर है वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो ब्रेक डाउन. अब इसमें HNMT एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, दिस इज इंट्रासेलुलरी.
फिर हिस्टामाइन से एन मिथाइल हिस्टामाइन प्रोड्यूस हो जाए, दिस इज एन मिथाइल हिस्टामाइन, जिसमें एन में जिस मिथाइल मिथाइल ग्रुप आ जाएगा इसमें, फिर इसमें डायमाइन ऑक्सीडेज, फिर यह है ना डायमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर एंजाइम से रिएक्ट होगा, रिएक्ट होने के बाद इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, वन मिथाइल इमिडाजोल फोर एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा, फिर इसमें अल्डिहाइड्रोजनस करेंगे तब इसमें एक एसिटिक ग्रुप फॉर्मेशन हो जाएगा, दिस वन मिथाइल इमिडाजोल फोर एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा, दिस इज इंट्रासेलुलरी डिग्रेडेशन हिस्टामाइन। दिस तो फर्स्ट हमने देखा है कि हिस्टामाइन से वन राइबोल्स इमिडाजोल फोर एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होगा, ये एक्स्ट्रा सेलुलरी होगा, और जो इस पार्ट से ए हिस्टामाइन से वन मिथाइल इमिडाजोल फोर एसिटिक एसिड फॉर्मेशन, दोस्तों इस इंट्रासेलुलरी है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए, आपको टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे अगले अपडेट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।